युद्ध के लिए भारत को उकसा रहा है पाक, लोके पर बात की तैनात। नई दिल्ली 20 मई आईसीजे कोर्ट में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान हर तरह से भारत को उकसाने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि भारत कोई ऐसी गलती कर दे जिससे वह आईसीजे कोर्ट में फिर से अपनी याचिका डालकर किसी तरह कुलभूषण मामले में भारत को नीचा दिखा सके। इसीलिए पाकिस्तान अब धोखे से वार करने की साजिश रच रहा है। अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ के अनुसार पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक अपनी बॉर्डर एक्शन टीम बैक के कमांडोज तैनात किए हैं। इनका मकसद गश्त कर रहे भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला करना है। पाकिस्तान की इस बॉर्डर एक्शन टीम में न केवल सेना के जवान बल्कि आतंकी भी शामिल हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि बीएटी लाइन ऑफ कंट्रोल और खासकर हाजीपुर एरिया के नजदीक जवानों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। पाक की साजिश का उस वक्त खुलासा हुआ जब 17 और 18 मई को पाकिस्तानी सीजफायर उल्लंघन का भारत ने माकूल जवाब दिया। भारतीय फायरिंग में एक पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो मारा गया। एलओसी के इलाके में इतने प्रशिक्षित कमांडो की मौजूदगी से उठे सवाल की पड़ताल करने पर पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई।